याद रखो, फकीरी में फकीरी करना कोई कमाल नहीं, करनी पड़ती है, मजबूरी होती है। फकीरी में फकीरी कोई कमाल नहीं, कमाल तो यह है कि तू बादशाही में फकीरी करे, तेरे पास लाखों पड़े हों पर तेरा मिजाज फकीराना हो, करोड़ों अरबों तू खर्च करने की ताकत रखता हो, लेकिन तू कहे नहीं मैं मिजाज फकीर। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। नबी पाक अलैहि सलाम ने बादशाही में फकीरी की, हजरत अबू बकर ने बादशाही में फकीरी की, हजरत सैयदना उम्र फारूक ने बादशाही में फकीरी की, करोड़ों खर्च करने वाले उस्मान गनी, लेकिन सैयदना उस्मान गनी की शान यह है कि जब खुतबा देने के लिए मिंबर पे बैठते हैं तो कुर्ते पे भी पेबंद है और उनकी तहमत पर भी पेबंद है और उनकी पगड़ी भी पुरानी है, तो लोगों ने कहा यह क्या है, तो कहा यह वही है जो हमें मदीने वाले रसूल ने सिखाया है, वो खर्च करना है दूसरों पर, वो सारे का सारा अपने ऊपर आला आसाइशें हासिल करना और पता नहीं कहां से कहां निकल जाना। हजरत मौला अली शेरे खुदा अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन कूफे की जामे मस्जिद के बाहर खड़े होकर कहते हो मेरी जिरा खरीद लो, तामत ज्यादा पुरानी हो गई, अब तो पेवंद की जगह भी नहीं रही, अगर पैसे होते तो मैं जिरा ना बेचता। ये बादशाही में फकीरी है, ये कौन है, ये अली कौन है, ये हसनैन कौन है, ये दुनिया के बाग के मालिक नहीं, ये तो जन्नत के मालिक लोग हैं, लेकिन बादशाही में फकीरी है।